8 इंच तक रहता है, अपने साइज को कैसे नापे? बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात से कि साइज छोटा है, बड़ा क्यों नहीं है, लंबा क्यों नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ आपको कि आपका साइज कितना होना चाहिए और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस वीडियो को पूरा सुनना है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको इसका नाप लेनी है, कैसे उसको मेजर करनी है। तो सही से इस वीडियो में पूरा बताऊंगी मैं आपको। इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि आपका दोस्त को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्त के पास पहुंचा सकते हैं। आपका काम है पहुंचाना, ज़रूर पहुंचाइएगा, इससे आपका भी फ़ायदा मिलेगा, दुआएँ मिलेगी। आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। दोस्तों हमेशा क्या करते हैं हम, एक ही चीज़ को घिसी पिटी हम सोचते हैं इसके बारे में, यार मेरा तो इतना है, छोटा है, मोटा है, इतना लंबा है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन आखिर में हम ये समझ नहीं पाते हैं ये कितने टाइप का होता है, कितना लंबा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो बोलते हैं या एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं या मीडियम बोलते हैं, किस तरीके का वो चीज़ होता है आखिर हमको पता ही नहीं होता है और हम होते हैं परेशान। सही एजुकेशन आपको हमारे पास मिलेगा बिकॉज एज ए डॉक्टर हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। और एक बात और है कि अगर हम सारी चीज़ को मेडिकल टर्म से लेके आपको बताना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होगा, आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं है। आप नॉर्मल इंसान की तरह सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो से। सबसे पहले हमारा जो इंडियन साइज़ होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो साइज़ होती है हमारा, अगर आइडल साइज़ को हम मानते हैं तो आइडल साइज़ कितना होता है, 2 इंच से लेके ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है। जिनका मान लीजिए कि छोटा सा होता है, 2 इंच से कम होता है, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो पेनिस। ये छोटा होता है बिकॉज उनका बढ़ता ही नहीं है, सबसे छोटा होता है भाई, 2 इंच से भी कम आप समझ सकते हैं। दूसरा जो साइज होता है इंडियन मैन का, वो है 5.5 to 6 इंच के बीच में रहेगा। और जिनका एक्स्ट्रा लार्ज रहता है उनका 8 इंच तक रहता है, जिनका एबनॉर्मल जिसको कहा जाता है। और ये ना केसेस बहुत कम होती है, बहुत रेयर केस होती है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इंडिया में तो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में सोच यह बना लिया गया है कि मेरा साइज़ बहुत कम है, मेरा इतना सा छोटा है, इतना कैसे किया जाए, इतना है क्योंकि मेरी महबूबा जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। ये भी एक दिमाग में आ चुका है लोगों का बिकॉज बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, देख देख के दोनों परेशान रहते हैं। लड़की बोलता है लड़का को कि भैया तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम्हारा तो ये जो है ना ये एकदम छोटा सा है, मुझे और चाहिए। तो ये दिमाग में कौन सा चीज़ पैदा कर रहा है पता है आपको, पोर्नोग्राफी कर रहा है। और मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ भैया, मैं नहीं कहती हूँ कि कभी भी तुम वो देखो, देख के चीज़ों को करो, नहीं करना है आपको ऐसा कभी भी। तो नॉर्मल साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंडियन जो साइज़ होता है हमारा, एवरेज साइज़ जो होता है विदाउट इरेक्शन, जब आपका खड़ा नहीं होता तो कितना साइज़ होता है, तब होना चाहिए 2 से 3 इंच के बीच, 3 इंच नॉर्मल साइज़ होता है। और जब इरेक्शन होती है हमारे इसमें 5.5 से 6 इंच तक होना चाहिए, एवरेज नॉर्मल साइज़ है इंडियन मैन का दोस्तों। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मेरा 7 होना चाहिए 8 होना चाहिए 9 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 8 9 की तो बात ही नहीं है, आप इतने से भी आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने महबूबा को। दोस्तों आप इस बात को समझ जाइए ना, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। और जिनका छोटा होता है, 2 इंच से भी कम होता है, पता है उनका क्या प्रॉब्लम होती है, उनका सर्जरी करवाना पड़ता है। देन इसके बाद भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि हाँ सर्जरी के बात भी ये लॉन्ग हो सकता है, कितना जा सकता है। आप बात करते हैं कि साइज को नापा कैसे जाए, हम बहुत सारे गलत चीज़ों को आजमा लेते हैं, है ना। जब हमारा इरेक्ट नहीं होता तब हम नापते हैं, ऐसा नहीं करना है। फुल जब इरेक्शन आए, फुल जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से हो, तभी आपको नापना चाहिए। और जब आप नापेंगे ना तो आपको पता होगा कि आपको टेस्टिस से नहीं नापना है, जो गोलियां है वहाँ से नहीं नापना है, आपको बेस से नापना है। पूरा बेस से जब आप नापेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, और एक दिन में तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये क्या होता है, आपका पहला कभी कभी मान लीजिए आप टेंशन में है, इरेक्ट हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, तो आप साइज़ में जब आप नापेंगे ना तो आपको पता ये चलेगा कि यार मेरा तो इतना कम है,
चार इंच है, पाँच इंच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब फुल इरेक्शन आएगी, फुल इरेक्ट होगा, तो आपको पता ये चलेगा कि हाँ, ये आपका जो साइज़ है बेहतर है, परफेक्ट है। दो से तीन दिन आपका जब भी आए तब आप नाप लिया करो, या फिर आपका जो पार्टनर है उनसे नपवा लिया करो भैया, क्योंकि अगर आप उनसे नपवाओगे तो सही चीज़ पता चलेगा। आप अगर ऐसे झुक के काम करोगे तो आपको सही चीज़ पता नहीं चलेगा, और अगर आप उनसे करवाएंगे ना तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आपका साइज़ क्या है। और साइज़ को नापने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, मेजरिंग टेप जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ये भी है कि आप स्केल से कर सकते हो। तो दो चीज़ से आप अपना साइज़ को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है इसको मेजर करने का, आप समझ जाइएगा। अगर मान लीजिए आपका इतना मुट्ठी के जैसा होता है, जब आपका इरेक्ट होता है इतना मुट्ठी जैसा हो जाता है, एक उंगली के बीच का गैप जितना है, तो उसका गिर्द अगर इतना हो जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हमारा बीच में ही निकल जाता है तो इसको हम बोलते हैं पी का प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी निकल जाना है, ठीक है, जल्दी गिर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एक्सरसाइज है, उसको रेगुलर करना है, एक टेक्निक है कि इसका नाम है स्क्वीज टेक्निक। जब भी आपको लगता है निकल जाएगा, फट से निकालो और यहाँ पे इसका जो कैप है, कैप पे स्क्वीज कर लो, चार से पाँच सेकंड तक स्क्वीज करके रखो, फिर छोड़ दो। ऐसा आपको करना, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप कीगल एक्सरसाइज ज़रूर करें, कीगल एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, बिकॉज ये क्या करता है, हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको खींचता है अंदर से। और उसको कैसे करना है, अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यही था, और प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है डॉक्टर सराना के साथ जुड़ने के लिए, फॉलो तो बनता है। फिर मिलते हैं अगले एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों ये देखो मेट्रो, अरे हम अभी आए हैं, क्या पता है, हम मूवी देखने आए हैं, तो फिर जाएंगे ऊपर, कहाँ पे है, आई थिंक ऊपर ही होगा वो मूवीज का, देख लेंगे। सेकेंड टाइम हम आए हैं यहाँ पर।